सरकार बढ़िया है, बहुत केसेस भी हुए हैं, चाहे वो रोपड़ है, चाहे वो नवां शहर है, चाहे वो हर के पत्तन है, फिरोजपुर तक जरा दरियावान के कंढिया के उत्ते जरा नेचर ना खरलवाड़ भी हो रहा है। और पंजाब के जरा एक्सचैकर है जी, साड़ी फाइनैंशियल पोजिशन है पिछले सालों तो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, उन्होंने भी बड़ा भारी चूना लगता रहा डिफरेंट टाइप। और जो हूँ रेड होया है, मैं समझना है कि एक अनटाइमली और एक जानबूझ के टारगेटेड है। यही चंगा होता जो कैप्टन के राज के जरा माफिया की पूरी तरह सरगर्म सी, उदों ही ये परचे हुए ने इकले। इंसीडेंट ने तो अलावा कई जगह होया, और लोग भी पिंडां दे विरोध करते रहे ने। और इस टाइम पे उदों क्यों नहीं किया सेंटर दी एजेंसियां ने, जदों कैप्टन का राज सीगा उदों ये माफिया डिफरेंट टाइप का माफिया बड़ा सरगर्म रहा है, और उदों रेड क्यों नहीं किया। और एक बंदे से किया, वो भी शेड्यूल कास्ट है बेचारा, और क्योंकि इस बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। मैं सेंटर दी एजेंसी और ईडी नूं भी क्वेश्चन करना कि उन्होंने जरा रेड किया है, ये टारगेट बना के किया गया है, भी मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, क्राइम कोई करता है, कोई मेरा भी कोई रिश्तेदार कर सकता है, यदा मतलब ये तो नहीं भी मैं जिम्मेवार हाँ वह, क्योंकि घर के बीच डिफरेंट ऑफ ओपीनियन पोलिटिकल भी है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। और मैं देख रहा कि पंजाब के बच्चे 13 गैर कानूनी डिस्टिलरियां चलिया, तो सारी जानते हो, मैं कई दफा कहता भी है, और ईवन कैप्टन साहब नूं भी जगाउंदा रहा जब वो मुख्यमंत्री से, मौजूदा मुख्यमंत्री नूं भी कहा मैं उन्होंने बारे। उदों जदों पंजाब दे विच करोना जोरां ते की 20 दे विच, और मैं ते प्रताप बाजवा गवर्नर नूं भी मिले उस संदर्भ विच मिले सी, ये गैर कानूनी डिस्टिलरियां के मामलों च, और मैं राज्य सभा च भी क्वेश्चन किया, और उत्थे उन्होंने कहा जवाब दे विच कि स्टेट इशू है, जे उदों जिहड़ियां गैर कानूनी शराब दियां डिस्टिलरियां जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए का चूना लाया पंजाब दे खजाने नूं, और जिन्हां दियां पॉकटां च गया, उन्हां ते कोई एक्शन नहीं। क्या जिहड़ी सेंटर दी एजेंसी है और सेंटर दी सरकार उदों सुती पई थी, क्यों नहीं लोग करोना दे विच एम्बूलेंस तां दवाइयां बनदियां सीआं, मरीजां नूं चक चक कर जांदे ते करफ्यू दे विच इस पंजाब दे विच पिछले 4 सालों तों 5 सालों तों ये करफ्यू दे विच करफ्यू पास गड्डियां नूं मिले हुए, और उन्हां नूं उस लोकल उस दे MLA माफ करना, जे MLA दी सरपरस्ती नहीं सी तां जिहड़ी पंजाब च शराब वंडी जांदी थी वो उत्थे दे लोकल, चाहे वह खन्ने का MLA है, चाहे वह पैड़ का MLA है, चाहे वह पटियाले दे ने, चाहे फगवाड़े दे ने, चाहे तरन तारण, ये जे इन्हां दी बैकिंग नहीं थी, जे वह पंजाब च कांग्रेस ने इलैक्शन जीती थी कि नशे के खिलाफ असीं कार्रवाइयां करांगे, ड्रग के उत्ते बेअदबी का इशू दूसरा, पर यह पल ये जे एनवायरमेंट नहीं सी इन्हां दी तां क्यों नहीं उन्होंने ये समगलरां के खिलाफ कार्रवाई कराई, उत्थे दे लोकल लीडर जिहड़े पावरफुल से अपोजिशन वाले, इस हमाम के विच सारे ही रले हुए ने, मैं कहूँगा अपोजिशन पार्टियां के लोग भी और रूलिंग पार्टी के भी। उदों सेंट्रल दी एजेंसियां ने क्यों नहीं ये इंटरवीन किया, और मेरे याद है कि जलंधर का जिहड़ा ईडी सी उदों, उन्हें पंजाब SSP पटियाले SSP खन्ने, उन्हें रिकॉर्ड मंगया SSP तो जड़े लीकर दे विच फड़े सी, मजदूर फड़े थे, मालक अज तक नहीं फड़िया, करिंदे फड़े जड़े बेचारे दिहाड़ीदार थे। और मैं उस समय की सरकार और सेंटर की सरकार पार्लियामेंट भी गया, उस समय के मुख्यमंत्री नूं भी मिलिया भी इन्हों समगलरां दे जिन्हां करके पंजाब दे विच 126
गरीब लोगों की और खास तौर पर उन्होंने शेड्यूल कास्ट लोगों की मौत हुई है 114 की 142 के करीब अन्ने हो गए और कई दिया किडनियां फेल हो गई और नकारा हो गए। अज उन्होंने जीडिया विधवाव है वो मंग रही है। मैनू तो अफसोस है कि ना पंजाब के शेड्यूल कास्ट MLA चाहे वह रूलिंग पार्टी के ने चाहे वह अपोजिशन के ने इतों पता लगता है भी ये समगलरों की हिमायत सारे ही करते हैं। क्योंकि मैं बहुत चिर तो अगर मैं ये रौला ना पाँगा हो सकता है 13 डिस्टिलरियां फड़िया ना जांदियां, चार तो पटियाले फड़िया, पटियाले की ना दी सैल्टर थी कनौर, जे बाड़े खेत नूं खाण लग पे। पंजाबी की कहावत है जो दुध की राखी बेले बह जाण तां मौसम पंजाब दे लोकां दा की हाल हो। करोना दे विच दवाइयां लोकां नूं देण दी बजाय शराब बणदे थे और उन्हां दे पैसे करोड़ां रुपए जेल इहनां दी जेबां च गए। पुलिस अफसरां कोल उस समय दा मुख्यमंत्री जी नूं मैं जगाउंदा रहा, लीडरां नूं जगाउंदा रहा, उह त्रिहत्तर दी मंगण कहिंदे सुत्ते बैठे अखां ते पट्टी बन्नी दी DGP उस समय दा उत्थे दे SSP ये सारे इनवॉल्वमेंट है और ये पैसा सारे का वाटर होया वंडिया गया है। क्या सेंटर की एजेंसियां ने ये 13 जिहड़ियां डिस्टिलरियां एक बादल पिंड च फड़ी, ये 13 डिस्टिलरियां दे विच उस समय दे विच मेरा पार्लीमेंट च रेज करन ते बावजूद भी इन्हां ने क्यों नहीं एक्शन लिया। हुण भी एक बंदे ते वह भी शेड्यूल कास्ट है, तां ठीक है जे उहदी कोई गलत काम कीता हो, कानून हैगा, कानून दे विच दायरे दे विच रह के जो भी होगा ठीक है, पर किसी नूं टारगेट करना ये बहुत बड़ी गलती है। ये मैं कहूँगा साजिश है सेंटर की। और करण जी जे सेंटर ईमानदार है, जे मोदी की सरकार ईमानदार है, तो जिहड़े पंजाब दे विच 126 जहर पिला के जिन्होंने मारिया है, ये कातल ने जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा थी अपने बयान दे विच अभी कातल ने ये, पर परचा किसे ते नहीं होया क्योंकि उस नाड़ ने वह अमीर ने। इस करके गरीब आदमी जरा गरीबी च उठ के हो सकता है भी किसी का करिंदा हो जरा जिदे रेड होया हो सकता है, पर सवाल यह है बाकी दया से क्यों नहीं होया। बाकी दया से क्यों नहीं होया ये मैं क्वेश्चन करना है। कला टारगेट क्यों बनाया गया जदों उसे परचा जोड़ा है वह चकई बंद इनवायरमेंट है और वह भी 18 का ना लीकर वाले EDG जोड़ा रणरंजन सिंह है ट्रिब्यून ने बहुत बड़ी खबर लाई थी 20 के SSP खन्ने भी गया उत्थे भी गया, उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं दिता क्योंकि उस उदों मुख्यमंत्री की शह थी उस समय दे। पर उन्होंने रस्ता जोड़ा सेंटर ने साड़ी पार्टी ने दिखाया, मैं कहूँगा यही 2 साल पहला किया हों शायद पंजाब के हालात ठीक हो जाए। ये बदनामी साड़ी पार्टी जी मिली है ना करके ये माफिया करके है। और मैं अज के मुख्यमंत्री भी कहा थी भी माफिए के खिलाफ एक्शन लो ताकि कांग्रेस का जरा चेहरा है कांग्रेस के जरा मैसेज आए कि कांग्रेस पार्टी जी रूल कर रही है ये माफिया ना मिली नहीं हुई, माफिया के खिलाफ है। और मैं अपने लीडर भी कहा कि एक्शन होना चाहिए और ठीक है जे किसी की इनवॉल्वमेंट है कानून अपना रस्ता अपना लवेगा, पर सेंटर की एजेंसी एक शेड्यूल कास्ट के उत्ते कल्ले दे उत्ते बाकी दे क्यों नहीं फड़े ये मैं क्वेश्चन करता। गैर कानूनी डिस्टिलरियां चलाउण वालियां दे क्यों नहीं फड़े, ऐसे बहुत कुछ होया पिछले 15 साल बादल के राज भी होया और स्कॉलरशिप का CBI की इंक्वायरी मैं मंगता रहा क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं सेंट्रल एजेंसियां ने मौका है जब इलेक्शन हो गई। ये बहुत बहुत धक्का मैं कहूँगा सेंटर की सरकार और जरा ED है ED इंडिपेंडेंट हो कोई काम कर रहे एक बंदे टारगेट नहीं, ये मैं कहूँगा ये बहुत गलत काम किया है। कास्ट का सवाल नहीं है पर जद सारे किया हों फिर मैं कहता ठीक है जी हो रहा है, पर एक बंदे टारगेट बना एक बहुत बड़ी साजिश है और किसी इंटैंगल करना गलत।
डॉक्टर साहब एक सवाल है, मैं चाहूंगा हिंदी में अगर आप जवाब दे पाए। कांग्रेस आला कमान ने काफी बोल्ड स्टेप लिया, एक एससी वर्ग से आने वाले दलित को पंजाब का सीएम की कुर्सी पर बिठाया और उन्होंने 2.5 महीने में काफी अच्छा काम भी किया, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं काफी। तो आपको लगता है कि अब जब चुनाव में उतर रहे हैं तो उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, दलित चेहरे को आगे? देखो, क्राइम कोई भी करे, जो क्राइम करेगा भुगतेगा, सीधी बात है। मैं तो माफिया के खिलाफ हूँ हमेशा, खड़ा जो माफिया को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, मैं आवाज उठाता रहा हूँ पहले से, सन 12 से, कि पंजाब में रोटेशन में चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। 70 आज़ादी के 75 साल में कभी किसी शेड्यूल कास्ट को मौका नहीं दिया गया, और मैं मांग करता रहा हूँ 12 से। आप मीडिया वाले सब जानते हैं, यहाँ बैकवर्ड क्लास के ज्ञानी जी भी रहे, कामरेड रामकृष्ण भी रहे, गुरमत सिंह मुसाफिर भी रहे, हिंदू भी बनते रहे हैं, पर कभी बैकवर्ड भी बने हैं, शेड्यूल कास्ट को मौका नहीं मिला। मिला है, पर मिला तो थोड़ा समय के लिए मिला। आपको लगता है आपको लगता है उनको पहले उनको बदल देना चाहिए, थोड़े वक्त में उनको थोड़ा सा टाइम मिला, वो काम भी कर रहे हैं, अब आगे उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, उनका चेहरा बदल के कोई नया चेहरा आगे ले आना चाहिए? देखो, ये तो पार्टी ने देखना है, जो आपकी निजी राय क्या है जी? पार्टी ने देखना है, क्योंकि पार्टी से मैं तो डिमांड करता रहा हूँ कि जो भी है, पर कांग्रेस को अपना इमेज जरा है लोगों के बीच अच्छा देना चाहिए पार्टी को। राहुल गांधी के करीबी हैं निखिल अलवा, उन्होंने एक ट्विटर पर पोल करवाया जिसमें सीएम चन्नी का नाम सबसे आगे आया है, तो क्या लगता है आपको कि अब सीएम चन्नी को जो उनको सीएम कैंडिडेट का फेस बनाकर ही अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए? देखो, सवाल ये है कि मैं तो कहूंगा कि जो भी जो किसी ने कोई राइम किया है वो बहुत कानून है उसके लिए। ये जो टारगेट बनाना किसी पार्टिकुलर आदमी को, ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा धक्का है, वो भी शेड्यूल कास्ट के साथ। पर दोनों शराब कांड की गल की, शराब कांड की गल की, इनवॉल्वमेंट सीधे तौर नाम हाले लैन तुम बच रहे हो, नाम नहीं लै रहे कि वह विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते, उन्होंने तो दोबारा भी टिकटा दे दी गई जी। जे सवाल तो यह है भी पिछला मुख्यमंत्री, उन्हें भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं इस मुख्यमंत्री भी मिले हैं भी लीकर स्कैंडल के जोड़े आदमी है, तुम सीबीआई में दो इनकुआरी किड़े मानते हो जी, कि नाम लेना जे उ बिना लोकल जेड़े भी लोकल लीडर ने इनपावर ने और अपोजिशन के नाल मिले सारे नाम का मतलब कि यह तो सारे पता है, पंजाब की दुनिया जानती है भी किन्हों की छत्र छाया काम करता है। कोई भी काम मुख्यमंत्री की छत्र छाया लोकल लीडर DGP SSP उसे दा DSP उसे दा SHO सारे हल्के क्यों? मैं कहना है उन्होंने होनी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी, पंजाब पुलिस के साथ सवाल नहीं, क्योंकि पंजाब पुलिस जेड़े भी इन पावर ने जो भी है पंजाब के जेड़े कातल ने जेड़े जहर जेड़े कोरोना पीरियड च दवाइया वंडन की बजाय शराबा बनते थे पंजाब के लोगों। दुल्लो साहब तुम कह रहे हो ED दे टारगेट किया जा रहा है, जोड़ा 10 करोड़ रिकवरी हुई है, डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए है, ED दे ऑफिसर्स कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई टारगेट नहीं है, साडे कोल प्रूफ्स ने लगातार जो पंजाब च जी की जा रही है रेड्स की जा रही है, कई चीजा बराबद हुई है, होर कई बड़े चेहरे जेड़े है वो सामने आएंगे, कि टारगेट वाली गल प्रूफ कर ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਸਪਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਹੁਣੋਂ ਬਣਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਸਕਿਉਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਵਾਲਵਮੈਂਟ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ ਪਰ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ ਬੜਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਈਵਨ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੈਸ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਦੂਜੇ ਵਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੀਮ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੰਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ 20-25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ
और मेरा क्वेश्चन रखने के बावजूद राज्य सभा और मुख्यमंत्री जिन्होंने एरिए है मैं कहना जेड़े मिला हूँ जांच कराओ। आपने कहा कि इनको भी नहीं, मैं मिला लिख कर दिया मैंने, सुनो मैं ये माफिया लीकर माफिया के खिलाफ मैंने लिख कर दिया है कि सीबीआई ना पंजाब पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, क्योंकि पंजाब पुलिस हर हमाम में मिली हुई है, कुछ चंद लोग होंगे और ग्रुपिज्म में है, कोई किसी लीडर की पॉकेट में है, कोई किसी की पॉकेट में है। मैंने मांगी है, मैंने मिला हूँ इनसे, सीएम से मिला हूँ, पहले तो बोलता वो, क्योंकि जो प्रोटेक्ट मैं कह मैंने मांगी है सीबीआई की इंक्वायरी। ईडी क्यों पहला क्यों नहीं किया उन्हें, पहला जो दूसरे बंदे ने जो राहों वाला परचा है ये 20-25 बंदे थे, 20-25 क्यों नहीं अरेस्ट किया उन्हें, करनी चाहिदी है। देखो मैं सेंटर दी एजेंसी, क्योंकि मैं इस फिर कहना चाहना उदों दा मुख्यमंत्री सेंटर दे नाल मिलिया होया सी, सुनो उदों दा मुख्यमंत्री सेंटर नाल मिलिया होया सी, जिदे करके ईडी जरा नरेंद्र सिंह ईडी का तबादला होया और ईडी जरा सी उन्हें SSP पटियाला खन्ने तो रिकॉर्ड मंगया और रिकॉर्ड नहीं दिता, क्योंकि प्रोटेक्शन थी सेंटर ने तालमेल की, उस करके मैं कहांगा कि और उदों रेड की वो सेंटर की एजेंसियां करोना के बिच विशाल जी जिथे दवाई वंडनी थी करफ्यू लगे हुए ने सरकारी वो गड्डिया के सरकारी पास करफ्यू के अंदर शराबा पंजाब च भी दमड़िया खन्ने पैर च पटियाले च राजस्थान च हिमाचल च चंडीगढ़ बाहरिया स्टेटा भी शराब गई और हजारा करोड़ रुपए का चूना लग्या, हजारा करोड़ रुपया ये लीडर की जेब च गया या पुलिस की जेब च गया या अपोजिशन, तो मैं कह सकता ये हर काम के रले मिले हुए ने, माफ करना पोलिटिकल अपोजिशन वाले भी ते रूलिंग वाले भी चन्नी साहब भी मिले हुए ने जी। हाँ जी चन्नी साहब भी मिले हुए ने, उन्होंने माफी मैं किसी का क्यों ना लड़ दूँ, जांच नहीं कराई उन्होंने ना, जांच करानी चाहिए थी। चन्नी साहब कहते भी मैं सीबीआई की जांच मंगी है, मैं पंजाब पुलिस तो भरोसा नहीं है, पंजाब पुलिस तो अपने कोई जो अफसर ने अहदे लैन लई ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਈਡੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਕਰੇ ਸਾਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ SHO ਉੱਥੇ ਦਾ DSP SSP ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ 100 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੀਚ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ 82 ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ MLA ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਯਾਨੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ SSP ਹੋਵੇ DC ਹੋਵੇ SHO ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਪੀ ਆਉਣਗੇ
मैं इन्वेस्टिगेशन मांगता चाहे बड़ा चाहे छोटा। खन्ना की बात करिए, आपने खन्ना से तो मंत्री भी है और विधायक भी है कांग्रेस के, मैं क्वेश्चन किया उन्होंने चाहिए सी ये जो फैक्ट्रिया गैर कानूनी है उन्होंने खिलाफ कार्रवाई कराते, ये मैं कहा कि उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मस्त गुजार चाला काला। मैं जी कहना है ये जरा पटियाले च है जिते चाहे घनौर फड़ी है चाहे राजपुरे फड़ी है खन्ने खन्ने और सारे ये फगवाड़े बादल पिंड के फड़ी है तन तन च कि शराब बंडी गई है बंदे मरे मजाल है और खन्ने च जड़े फड़े गए है जड़े बेचारे दिहाड़ीदार अंदर है। हाँ जी होनी चाहिए है क्यों नहीं करते। मैं इस मुख्यमंत्री भी कहा मैं पार्लियामेंट राज्यसभा च रेस किया कि पंजाब पुलिस से क्योंकि जो लोकल लीडर ऑपोजिशन मिलके ये माफिया के नाल रल मिल के काम करा प्रोफेशन बन गया सियासत एक प्रोफेशन बन गया पैसे कमाने का जरिया ये बनया। मैं अज भी कहना कि इसकी ये जरा सेंटर की एजेंसी है हूँ क्यों जागी है पहला क्यों सुती गई थी ये कैप्टन साहब के वेले क्यों नहीं इन्होंने काम किया। दलित कार्ड लगातार खेल रहे पंजाब में बहुत वाला घोटाला होया स्कॉलरशिप स्कैम का तो वह जो करता धरता से उन्होंने भी टक्क दे दी है नाभे तो। मैं सुन लो मैं रिव्यू कहना जेड़े बंदे सुनो मेरी गल जेड़े स्कॉलरशिप स्कैम च ने जेड़े जेड़े बंदे ये माइंड है ये लोगों भी पता है और उन्होंने टिकटा रिव्यू होनी चाहिए। मैं मंग की है दिल्ली वाले तो चिट्ठी लिखोगे जी हाईकमान लिख मंग के कहना है चिट्ठिया का मैं लिखता रहना संबंध माफिया के खिलाफ माफिया के खिलाफ।